एक बूंद भी बटर नहीं है, नथिंग, जीरो। ए उसको पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, शाबाश, आ जा, ले 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 ले, बहुत बढ़िया, क्या बात है, टाइट डिनर। तो भाई शूट से आ गया हूँ मैं वापस, ठीक है जी। एक शूट कैंसिल हो गया हमारा और दो शूट कर लिए, वो करके वापस आ गया हूँ। और अब घर पे लंच की बारी है, और लंच में मेरे क्या है वो देखो, खीरे, नींबू डाल दिया इस पे, अच्छा जी, और नींबू तो साइड में दिया हुआ है, तो ये आ गया भाई नींबू, बढ़िया सा, हाँ, मज़ेदार, टू गुड। और एक कटोरी राजमा की, और उसमें भी डाल दिया मैंने नींबू। That's it. ये है मेरा लंच, तो मैं इसे खाता हूँ जल्दी से, और उसके बाद सुकीर्ति खाएगी अपना राजमा राइस, और इंजॉय करता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो भाई ये हो रही है घर की सफाई, ये देख लो एक बार, इसने पहली बार निकाला होगा आज 3 साल में, नहीं। फिर तीसरी बार, दूसरी बार निकाले, सही करता साहब ये, भाई चीज तो कमाल की है, ये देखो इतने सारे बाल फंसे हुए हैं इसके अंदर, भाई साहब कहाँ से आ गए सारे बाल, बढ़िया से करना सर, बढ़िया से एकदम सर, चमक जाना चाहिए। अमित का रिएक्शन देखो भाई, पवित का रिएक्शन देख रहे हो, है भाई पवित का रिएक्शन देख ले, अब वो लगा रहा, ये लगा, ये इससे बाल आएंगे, देखियो, ओ भाई साहब माय गुडनेस। पवित को हम फिर से ले आए हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, ये ले लेना, ये ले ले, ये तो निकली हुई है, ये अब इसको पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, शाबाश, आ जा, ले 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 ले, अरे शॉपिंग करेगा, खाया तूने पवित्र ने, क्या उठाया मैगी उठाली इसने, कमाल ही हो गया भाई यार, तो भी ये बन रहा है इसका प्ले हाउस, यस पवित्र का प्ले हाउस बन रहा है, ये इसकी बुआ ने दिया था इसको, वहीं से आया था, तोड़ मत है सामान पवित, टूटी नहीं करना बेटा, लाइट्स ऑन कर दी मैंने, अब इसको यहाँ बनेगा प्ले हाउस। और मैडम क्या बना रहे हैं आप पवित्र के लिए, पवित्र के लिए क्या बन रहा, आलू साबुदाना की टिक्कियाँ, ओह ये तो स्नैक्स हो गया ना, और ये किसने बनाया, आपके पति ने बनाया ये, क्या बनाया ये, पनीर और सोयाबीन, वाह यार तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, हैं गरम करके खाना, इसको मजा आएगा, और ये है मेरा सिलेंट्रो चिकन विंग्स, ये बनाऊंगा जब मेरे को खाना होगा, इसका पहले भी ये बनाते हैं, पहले करण दुआ घर पे ना होता तो ये टेंट ना बनता, ओह माय गॉड, ये टेंट किसने बनाया है आप ही बताइए जरा, अच्छा फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कैसा टेंट बनाया था, तुम रहने दो, रहन दे तू, रहने दो, सच में मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ ना, आ जा भाई घर रेडी हो गया तेरा, आ जा तेरा घर रेडी, यही रोटी खानी तेरे को, ये तो कुत्ते का लग रहा है, डॉगी थोड़ी है ये, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, शाबाश, ये न्यू हाउस पवित का, न्यू हाउस, वेरी गुड, क्या बन रहा है भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, नोनू क्या खा ला है, क्या खाना है, ये क्या घर है, टिक्की, आलू टिक्की बना के दिया तूने इसको, साबुदाना, क्या बात है, साबुदाने की टिक्की बन रही है भाई, तुम बढ़िया पुराना जी से पूछो खाएगा, चलो भाई पुराना जी भी टिक्की खाए इंजॉय करे, दही तो खाता ही नहीं वो, ये ले केचप चाहिए, नहीं ऐसी खा ले, चाट मसाला तू, नहीं वैसे सही लग रही
चाय तो नहीं चाहिए और? नहीं नहीं, ये आ चुका है मेरा सिलेंट्रो चिकन विंग्स, और ये डाल गया नींबू। घर बनाओ डाइट वाला फूड एकदम बढ़िया, ऐसा कि बार बार खाने का मन करे, तो ये बस वही बनाया मैंने, बहुत बढ़िया। क्या बात है, टाइट डिनर। और ये इसका साबूदाने की टिक्की, परफेक्ट। कुछ चलो भाई टेस्ट कराते हैं खुराना जी को, ये देख लो मजेदार, सही टेस्ट, बहुत बढ़िया, हेल्दी, मजेदार। हाँ हाँ हाँ, एकदम नहीं है, हाँ ऑलिव ऑयल है वो सर, मैरिनेशन वाला, पता नहीं चलता। ड्राई टेस्ट इतना अच्छा, एक बूंद भी बटर नहीं है, नथिंग, जीरो। मुझे लग रहा है बोले एयर फ्रायर का यही फायदा है, वो सबसे बड़ा, ये एयर फ्रायर बने, हाँ। और कॉस्ट डिफरेंस इतना, 270 रुपये किलो लाया हूँ कच्चा, और 20 रुपये का धनिया लाया हूँ, दो नींबू लगे हैं, दो नींबू, अदरक लहसुन की पेस्ट लगी है, और मोटा 350 रुपये लगे, और एक किलो तैयार, एक किलो भी नहीं है ये, हाँ ये है मुश्किल से 750 ग्राम, और टेस्ट अलग। और रेस्टोरेंट से मंगाता मैं ये, अगर बाहर जाके खाता तो मेरे को मिलते 400 रुपये के कम से कम 5 पीस, इतने मिलते हैं 350-400 रुपये के। हम करते हैं भाई डिनर अपना, और फिर मिलता हूँ आपको लेमन टी पे। चिकन तो बढ़िया था, ये सब्जी जो मैंने बनाई है सोयाबीन पनीर की काठी कबाब स्टाइल में, अब उसका रिव्यू हो रहा है, खा के देखते हैं। ये फूड क्रिटिक आए हैं हमारे साथ, जिनके साथ हमने दिल से फूड स्टार्ट किया था, समझ से खा के, ये वही वाले जतीन है, सही है, 150-150 सही है, तो बताइए अच्छी बनी है, कुछ कुछ कमी रह गई है, है? क्या कमी रह गई है बताया, तो तुझे क्या लग रहा है, बता तो, नमक मैं बता रहा हूँ क्या मतलब, गल गई है बिल्कुल ठीक है, हाँ हल्की सी ब्लेंड लग रही है, मतलब कि नमक कम है, हाँ मसाले कम डाले होंगे, ऐसा हो रहा है ना, नमक कम है वाला है, तो डलवा ले नमक। मैं बताती हूँ क्या, तूने पीसेस ज़्यादा लिए हैं क्या? मैंने सिर्फ वो लिए चाप चाप। अरे भाई रात के बज रहे हैं 12, पौने 12 बज रहे हैं, और ये दोनों आए हैं होरी लाल का मीठा पान खाने के लिए, है ना, मैं नहीं खा रहा, एज यू नो आई एम ऑन डाइट, तो मैं मीठा वीठा तो बिल्कुल भी नहीं खा रहा, नो शुगर एंड ऑल, जीरो शुगर, जीरो, क्योंकि खाने में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मिल ही जाती है ना, रोटी तो वैसे भी नहीं खा रहा मैं, पर आज मैंने एक बाइट रोटी खाई है, क्योंकि मैंने सब्जी बनाई थी आपके सामने, वो टेस्ट करनी थी बस मैंने। तो भाई चलते हैं सीधा, नया ब्लॉग कल सुबह शुरू होगा, अब चलते हैं, गुड नाइट, मिलते हैं आपको जल्दी से कल एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।